हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज कंपनीज के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगे, साथ में आपको ये बताऊंगे इस कंपनी के शेयर में आपको बाइंग एंट्री कहाँ करनी है, कितना क्या टारगेट रखना है, कितना सपोर्ट लेना है, कितना रेजिस्टेंस लेना है, लाइक सारी चीज़ अगर बात करें इसी वीडियो में। सो गाइस, एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हिंडाल्को इंडस्ट्री कंपनीज की बात की जाए, मैंने 3-4 डेज पहले ही मैंने जिसका लेटेस्ट जो न्यूज अपलोड किया था कि ये जो शेयर यहाँ से भाग सकता है, क्यों, इसका रीजन था कि कंपनी जो है यहाँ पे क्या है एंटर कर रही ईवी मार्केट में, जहाँ पे हिंडाल्को कंपनी क्या है बैटरी फॉइल्स मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाली है, फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली, कहाँ पे, ओडिशा में, जहाँ पे कंपनी के ईवी मार्केट सेक्टर लाइंस में आ रही है। एंड कंपनी ने लगभग देखा तो 800 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया ईवी मार्केट में, जिसके कारण कंपनी की शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छी हमको तेजी हमको देखने को मिली थी। यहाँ पे हिंडाल्को कंपनी की बात की जाए, आई थिंक जब मैंने इस लेवल मैंने बाइंग एंट्री इसका दिया था लास्ट टाइम, अगर आप जाके चेकआउट करें प्रीवियसली मैंने इसका बाइंग एंट्री दिया था। एंड यहाँ पे अगर आप देखें सो मैं लास्ट टाइम मैंने 539.10 पे मैंने बाइंग एंट्री दी थी, ओके, इस दिन यहाँ पे अगर आप देखें एंट्री ब्रेक हुआ, टारगेट भी अचीव हुआ, लगभग जो 10 रुपये ऊपर था शेयर, आफ्टर दैट लगातार शेयर के अपसाइड ही जा रहा है। सो यहाँ पे लगभग अगर आप देखें सो यहाँ पे फिलहाल अभी भी आप बाइंग एंट्री कर सकते हैं, लगभग अगर आप देखें तो इस जगह पे कितने पे यहाँ पे इसका क्या क्लोजिंग हुआ है, सो मिनिमम आप यहाँ पे देखा जाए तो कितने पे 568 के आसपास आप यहाँ पे शेयर्स का बाइंग कर सकते हैं। टारगेट आपका सेम रहेगा 591 का, बिकॉज वहाँ तक जो शेयर जा सकता है। एंड आपको सपोर्ट आपको जो लेके चलना है ना, ये आपको सपोर्ट लेके चलना है कितने का, मार्क करके दे देती हूँ आपको मैं, 550 का आपको क्या है यहाँ पे, आपको क्या है ये आपको सपोर्ट लेके चलना है, 550 का सपोर्ट होगा तो 540 देन 520 तक जो शेयर गिर सकता है, तो सपोर्ट लेवल आपको मार्क करके रखना है। एंड हो सके तो 568 के आसपास एंट्री कीजिए, 591 का आप इसमें क्या टारगेट पकड़ के आप चल सकते हैं। लास्ट टाइम का ही मैंने यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है, सो वहाँ तक जो शेयर जा सकता है। एंड यहाँ पे लगभग अगर आप क्लोजिंग भी देखेंगे तो क्लोजिंग कितने पे हुआ, 566.40 पे क्लोजिंग है, 9.15 रुपीज़ का इसने रिटर्न भी दिया है। सो हिंडाल्को कंपनी में प्रॉपरली आप इसमें क्या एंट्री भी कर सकते हैं, आई थिंक सो टारगेट भी अचीव आपको हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में, शेयर प्रॉपरली देखें तो लास्ट टाइम का जो इसका हाई था ना, वो हाई जो है ब्रेक करने के चांसेस यहाँ पे आ चुके हैं, यानी यहाँ से क्या अपसाइड जा भी सकता है। पर प्रॉपरली अगर आप देखेंगे सो हिंडाल्को कंपनी क्या प्रॉपरली कैसे लेवल पहुंच चुका है, जहाँ पे लाइक मोमेंटम देखे तो बहुत ही तगड़ा हमको देखने को मिल सकता है। एंड आई थिंक सो हिंडाल्को कंपनी में सबने इन्वेस्टमेंट भी करके किसी ने रखा रहेगा, बाकी ये जो शेयर है जिनको लाइक ऑप्शंस में या फिर इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करना भी रहेगा, देन शॉर्ट सेलिंग करने के लिए भी एंट्री भी सेम ही रहेगा, टारगेट भी सेम रहेगा। बाकी इंट्राडे एंड जो ऑप्शंस पे जो ट्रेड करते हैं उनके लिए तो यही बोलूँगी कि अगर आप लॉट साइज अगर आप बाइंग करते हैं, आपको तो पता है कि 1400 का इसका लॉट साइज मीन्स 1400 का इसका लॉट साइज पर लॉट के पीछे 2 से 3 रुपये मिलेगा, अच्छा खासा इसमें क्या 3 से 4 हज़ार का आप प्रॉफिट से बुक कर सकते हो। सो ध्यान में रख के आपको एंट्री करनी हिंडाल्को इंडस्ट्री कंपनीज में। सो आई थिंक आपको जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस जरूर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।